इस वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। देखिए इसकी ओपनिंग बैक साइड में है और ये बैक ओपनिंग ब्लाउज है, तो ये हमारा ब्लाउज है, ये इसका अस्तर है, तो ड्राफ्ट अस्तर पर कर लेते हैं। देखिए ब्लाउज की लंबाई 15 इंच ली है और ये हमारा 36 साइज का ब्लाउज है, तैयार करेंगे तो 9 इंच आएगा और 2 इंच का इसमें मार्जन है। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मुड्डे 6 इंच और शोल्डर 6 इंच। अभी नेक ड्रॉ करते हैं, तो देखिए शोल्डर से 3 इंच ले रही हूँ क्योंकि मैं इसमें डोरी लगाने वाली हूँ। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 2.5 इंच लें। और अभी डीप का मार्किंग करते हैं, तो देखिए इसको मैंने 11.5 इंच लिया है। आप अपने साइज़ के अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी नेक ड्रॉ करेंगे, ये राउंड नेक में रहेगा, तो देखिए यहाँ से सेम रहेगा, नीचे से हल्का सा ब्रॉड कर देंगे, यहाँ से लेके पूरा हम यहाँ तक इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए नेक हमारा कट हो चुका है। इसी ड्राफ्ट को रख के कैनवास और नेक पट्टी कट कर लेते हैं। कपड़े का टुकड़ा ले लिया है और जो हमारा ये ड्राफ्ट है इसको इस तरीके से रख लिया है। सेम ड्राफ्ट कट करेंगे, इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो 1.5 इंच लेंगे, जो कैनवास की चौड़ाई लेंगे वो 1 इंच। पट्टी भी कट कर ली, कैनवास भी, जैसे मैंने बताया था। देखिए नीचे हम कपड़े को रख लेंगे, ऊपर से कैनवास को, और जो आधा इंच हमने कपड़ा ज़्यादा लिया है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, तो ये दोनों पट्टी तैयार हो जाएंगी। और अभी ब्लाउज को कैसे तैयार करना वो बताता है। ब्लाउज रख लिया है और उसके ऊपर अस्तर, तो जो ड्राफ्ट है हमारा सेम ड्राफ्ट पर इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे, नेक को कट कर लेंगे, जो हमने पट्टी तैयार करी है उससे नेक की फिनिशिंग देंगे। जैसे मैंने बताया था, मैंने इसको पूरा स्टिच कर लिया है, जैसे प्लेट डालते हैं प्लेट डाल दिया है। और जो मैंने कैनवास और कपड़ा कट किया था, जैसे बताया था कि आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, इसको फोल्ड करके स्टिच डाल दिया है। और अभी हम यहाँ पे नेक की फिनिशिंग देते हैं। ये स्टिच हो गया है और अभी हम किनारे पे सिलाई डाल के इसको तैयार कर लेते हैं। नेक की फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि ये राइट साइड का है, तो यहाँ पे हमारे हुक आएंगे उसकी फिनिशिंग देते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। नेक की फिनिशिंग हो चुकी है इसीलिए हम यहाँ पे आधा इंच फोल्ड कर देंगे और नीचे आपको फोल्ड नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग और किनारे पर सिलाई डाल दी है, बाद में हम यहाँ पर तुरपाई कर देंगे, तो इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। अभी कमर में फिनिशिंग करते हैं, उसके लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है स्ट्रेट, और इसको भी इसी तरह से स्टिच कर देते हैं। कमर में फिनिशिंग दे दी है, मैं यहाँ पे इसको तुरपाई कर दूँगी अंदर की तरफ फोल्ड करके। और देखिए मैंने एक लेस ली है, ये ट्रायंगल वाली लेस है, इस लेस को यहाँ से लेके हम पूरे नेक तक स्टिच करते हैं और एक लाइन कमर में भी। तो स्टार्टिंग में फोल्ड कर लें जिससे फिनिशिंग आ सके, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरीके। तो देखिए जो लेस मैंने यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट की थी, पूरा इस तरीके से यहाँ तक स्टिच कर दिए कमर तक, सेम मैंने दूसरी साइड में भी इसी तरह स्टिच कर लिया है। और जो ये लेस में ट्रायंगल थे, यहाँ पे मैंने एक एक मोती लगा दिया है, तो आप देख रहे हैं मोती से कितना अच्छा लुक आ रहा है, कमर में मोती आ रहा है हमारे, और जो नेक है इसमें भी आ रहे हैं। और इसी ब्लाउज के लिए देखिए मैंने ये सुंदर से लटकन बनाया। ये लटकन कैसे बनाया इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। इसके क्या है, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है ब्लाउज का, तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सा ब्लाउज का बैक नेक बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।